हेलो गाइस, तो आज मैं आलू जीरा धनिया बताने वाली हूँ। बहुत इजी है। पहले एक कढ़ाई में तेल डाल लीजिए। देन उसमें अब उबला हुआ आलू जो मैंने पहले से उबाल के रखा था वो तेल में हम डालिए और उसको फ्राई कर दीजिए। उसको थोड़ा फ्राई कर लीजिए। नमक डाल लीजिए, अभी थोड़ा हल्का सा नमक डाल, मतलब जितना नमक चाहिए अभी से ही डाल लीजिए। मैं इसको थोड़ा फ्राई कर लीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा रेड रेड उसमें चिपकने लग जाएगा, रेड रेड होने लग जाएगा। उसके बाद इसको निकालना है। तब तक इधर में मैं लहसुन और मिर्चा को मिक्सी में पीस लेती हूँ। 10 लहसुन की कली और 4-5 हरा मिर्चा। देन इसके बाद मैंने आलू को निकाल दिया और सरसों का तेल है इसमें मैंने थोड़ा, जीरा का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, मैंने छोटा चम्मच से 2 चम्मच डाला है, मतलब छोटा वाला चम्मच है। उसके बाद से मैंने जो भी जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा उसके बाद से ये हम लोग लहसुन और हरा मिर्चा का पेस्ट डालेंगे इसमें और इसको थोड़ा सा ये कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। जो इसका कच्चापन है इसका कच्चापन महक चला जाएगा और इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। फिर इसको चलाते रहेंगे जब थोड़ा सा इसमें मैंने जब लहसुन और मिर्चा का जो मिक्सी में पीसा था तब थोड़ा सा पानी डाला था, इसलिए जब पानी सूख जाए थोड़ा इसके बाद से आलू डाल दीजिए। आलू डाल दिए, इसके बाद धनिया क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, मेरे पास इतना ही था तो मैंने इतना ही डाल दिया, पर आप लोग थोड़ा और ज़्यादा डालिएगा, जितना ज़्यादा धनिया रहता है उतना टेस्टी लगता है। फिर इसको बस बन गया, बस इसको आलू रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, पराठा के साथ खाइए। थैंक यू, बाय। ट्राई ज़रूर करिएगा।